जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहला बैच टीए भर्ती का निकल के आया। मैं साथियों बच्चों से बातें करूंगा कि टाइमिंग क्या मिली है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा, क्या प्रोसेस अंदर चला, ए टू जेड जानकारी दें। आ जाइए दोस्त, इधर थोड़ा यार आ जाओ। अरे आ जाओ, तेलुगु तेलुगु तेलंगाना स्टेट। हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी नहीं आती। हिंदी आती नहीं? हिंदी नहीं आती, तेलुगु आती। तेलुगु आती है, जैसे आप मेरे बात लैंग्वेज समझ ले रहे हो कि नहीं? इधर से उधर आदमी का। अच्छा इधर आओ। कितना बैच बनाए थे आज का? 100। 100 का बैच बनाए थे? 100 का बैच बना। कितने बच्चे पास कर रहे हैं? एक दो तीन, तीन मेंबर पास हो गए। आपको हिंदी आती है? आ जाओ यार, साथियों इधर हिंदी का भी बड़े प्रॉब्लम है। हाँ, कितने का बैच बन रहा था दोस्त? 100 का बैच बन रहा था। 100 का बैच बन रहा था। कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे? 6 बंदे। 6 बंदे, वो एक्सेलेंट वाला 2 बंदे और 4 बंदे वो गुड में। 4 बंदे गुड में। 40 का टाइमिंग दे रहे हैं। टाइमिंग भी कम दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। ये पहले बताओ, डॉक्यूमेंट एंट्री के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा था? कमर्शियल, आधार कार्ड, मार्कशीट। क्या एक एक बंदे बोलो, आप बोलो तो आपकी हिंदी किसकी अच्छी है? आपकी हिंदी अच्छी है? हाँ, तो आधार अंदर एंट्री के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे? पहले एंट्री हुई थी तब उस टाइम हमने डॉक्यूमेंट में बोला गया था आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और एक डोमिसाइल, ये 3 डॉक्यूमेंट लेके वेरिफिकेशन नाम वगैरह कर रहे थे उस हिसाब से करके। उसके बाद लाइन में लगा रहे थे, वहाँ से बैच बना रहे थे 25-25 के हर एक लाइन में। उसके बाद 25-25 की बैच बना के टोटल 100 बंदे बना रहे थे, एक ग्रुप 100 बंदे का था। वहाँ से 100 बंदे को लेके ट्रक से और ग्राउंड पे ले आते हैं। ग्राउंड पे ले आने के बाद अंदर थोड़ा वार्म अप वगैरह करवाते हैं और उसके बाद सीधे ग्राउंड में ले जाकर रनिंग करवाते हैं। और उसमें टाइमिंग जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दे रखा है वो उसमें और इसमें जो अभी जो टाइमिंग ले रहे हैं उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो इनका हमारे जो टाइमिंग दिया यहाँ लिया हमारा वो 4:40 के अंदर जितने बंदे हैं उनको ले लिया, और उन्होंने 7 ही बंदे लिए, उनमें से 2 एक्सीडेंट वाले और 4 गुड वाले लिए। आपके होम ग्राउंड की टाइमिंग क्या थी? हमारे होम ग्राउंड की सर टाइमिंग है 4:50 की है। 4:50 की थी सर, तब भी रेस नहीं लग पाई? नहीं लग पाई सर। अच्छा यार दोस्तों, मैंने बाहर से देख रहा था तो टाइमिंग मैंने खुद स्टॉप वॉच लगाया था, शायद चल भी रहा होगा अभी, कट गया है, तो टाइमिंग मैंने देखा था यार 5:25-26 के आसपास जा रहे हैं। नहीं सकता, हो सकता है हो सकता है सर्दी की वजह से ना लगा हो, बॉडी टाइट हो गई हो, बॉडी एक जगह। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जहाँ तक हमारे बंदे हैं कि हमारे जो ग्रुप के हिसाब से है, क्योंकि हम लोग सर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे सर हम लोग बंदे इस ग्रुप में हमारे खुद के बंदे 6 बंदे थे और 6 के टाइम हम लोग एक दूसरे मालूम रहते हैं। चलो हम लोग मान लिया हमारा टाइमिंग गलत है, उनका तो नहीं हो सकता ना सर? उनका भी नहीं हो। हाँ ये बात है ना, पॉइंट तो है ना सर, कि अगर मान लिया हमारा, चलो हमने टाइम वगैरह का हमें अंदाजा नहीं कि चलो हमारा ये हो गया, लेकिन दूसरे बंदे को तो मानने में हम जानते हैं ना कि हम हमसे भी फास्ट है, उसका भी नहीं निकला, उसका भी नहीं निकला। अच्छा कितने बच्चे को, कितना आज ग्रुप दौड़ा था? आज 100 का ग्रुप, मतलब 100 का बैच बन रहे थे। 100 का बैच बन रहा था, कितना बैच दौड़ चुका है अभी तक? पहला ही बैच था हमारा, पहला बैच था। अभी और बंदे अंदर है? हाँ, 5 बजे एंट्री मिले थे वगैरह सब कुछ करवा के, उसके बाद अभी आधे घंटे पहले मतलब अभी रनिंग वगैरह हुई थी। अच्छा क्या ये भी है कि हर राज्य वाइज, जैसे कई राज्य आज लगे हैं भर्ती में, तो राज्य वाइज अलग अलग दौड़ा रहे हैं कि एक ही राज्य में सबको दौड़ा दे रहे हैं? नहीं, मतलब सब जो भी आज की डेट में जो भी राज्य है उन सभी राज्यों को एक ही साथ मतलब दौड़ा रहे हैं। अच्छा क्या इसमें ये भी प्रोसेस चल रहा है किसकी, जैसे कोई बंदा 18 से 42 साल भर्ती है, ये कोई बंदा 18 साल का है, 35 साल का है, 36 साल का, ये सब कुछ देखा जा रहा है कि नहीं इसके? हाँ सर, इसमें एज तो देख रहे हैं कि 18 से लेके और 21 तक, 18 से 21 वाले अलग है और बाकी जो भी मतलब ओवर एज के जो भी उनका अलग से दे रखा है, और जीडी ट्रेडमैन वगैरह सब अलग कर रखे हैं। जैसे जीडी की रेस अलग हो रही है? हाँ, जीडी का अलग है, पहले भी जीडी चल रहा है, उस जीडी का खत्म होने के बाद ट्रेडमैन का होगा और ये क्लर्क वगैरह, तीनों का अलग अलग दे रखा है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जो बच्चा 18 साल का है, 22 साल का, आप भी जान दो, उसमें जान ज्यादा रहेगी भागने की, जो बच्चा 36 साल का है, 40 साल का, 38 साल का है, 35 साल का है, वो बच्चा कहाँ 18 से 20 साल वालों के बीच में भाग सकता है 22 साल वालों के? क्या ये प्रोसेस जीडी में अलग कर रहे हैं कि एक ही साथ खेद रहे हैं सबको? सर ये तो अभी जो मैंने बताया आपको, जो एज लिमिट दे रखी है वो उसी एज लिमिट के हिसाब से भगा रहे हैं, एज लिमिट के साथ ही हिसाब से भगा रहे हैं, जिसकी एज ज्यादा है उसको अलग रनिंग करा रहे हैं, जिसका अलग है सबका प्रोसेस अलग कर रहे हैं। अच्छा क्या इधर मारपीट रहे हैं, हाइट वाइट पहले हो रही कि नहीं? नहीं, इसमें हाइट चेकअप होता है, जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक बार हाइट चेकअप हो रहा था, यहाँ पे हाइट चेक हो रही थी? हाँ नहीं होती सर, जहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे हमारा, उस टाइम हमारा हाइट चेकअप हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी इनका जो प्रॉब्लम आ रहा था उनको अलग से कर दिया था। और भी कोई जानकारी, जैसे आप जो बच्चे आएंगे रेस करने, आप कितने राउंड दौड़े थे? पूरा दौड़े थे? मैं पूरा कंप्लीट किया था सर, पूरी जान लगा। हाँ सर, 620 का 620 मीटर का ग्राउंड है और सर 2.5 राउंड लगाने थे।
620 मीटर का ग्राउंड है, 2.5 राउंड लगाने थे। हाँ जी सर। और भी कोई जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई में, जैसे जो जिनके पास जो नहीं है, बच्चे क्या बाहर जा रहे थे कि नहीं? नहीं सर, उनको अलग से बिठा रखा था। आई थिंक शायद दूसरा मौका देंगे डॉक्यूमेंट के लिए या फिर कोई मतलब टाइमिंग देंगे क्या या, लेकिन ऐसा इसमें ये है कि अगर आज की डेट में तो आज की डेट में ही होगा। मेरे को लगता नहीं कि दूसरे के दूसरे दिन उनको मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और जो मार्कशीट में दोनों नाम मैच होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क आ रहा तो मिस मैच हुआ तो आपको अलग से कर देंगे। रेस टफ हो रही है इधर। हाँ सर, रेस तो टफ हो रही है। चलो ठीक है साथियों, जैसे आप सबसे ज़्यादा भीड़ का दिक्कत था कि बहुत 400 बच्चे, 100 का बैच बन रहा है, 100 का बैच बन रहा है उसमें जो मगर यार एक बैच में मैंने देखा था 14 बच्चे पकड़े थे। 14 नहीं सर, हम लोग खुद अंदर थे ना। मैं खुद ही गिना था यार सर, मैंने पूरी टाइमिंग भी लगाया था, पूरा आराम से खड़े होके मैंने जब बच्चे पकड़ने स्टार्ट किए मैंने काउंट में 1, 2, 3, 4 पीछे गिनता भी गया। सर आपको 14 होते ना तो 14 में हमारा भी नाम होता है। चलो अभी अब तो साथियों हर साल भर्ती आएगी, फिर से 6 महीने बाद फिर से भर्ती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेहनत करते रहना यार, लग जाएगा ये जान लेना। ठीक है दोस्त, मिलता, हमारी फिजिकल की एकेडमी भी चलती है साथ में। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।